तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं मस्कुलर एट्रॉफी की। कई दोस्तों ने लगातार कमेंट लिखा कि मस्कुलर एट्रॉफी पर एक वीडियो बनाया जाए, तो उन्हीं सब के आदेश पर ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए, लगभग काफी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो देखिए, जो मस्कुलर एट्रॉफी है, मतलब जो मसल्स है उसका जो मास है वो कम हो जा रहा है, मतलब मांसपेशियां सिकुड़ जा रही हैं, मोटे तरीके से समझ लीजिए। तो मांसपेशियां जब सिकुड़ जाती हैं तो उसी को मस्कुलर एट्रॉफी बोलते हैं। और खास बात, जैसे मान लीजिए कोई एक मसल से इस तरह से यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो नॉर्मली पहले क्या था, इस तरह से था, यानी उसका वॉल्यूम ज्यादा था ए ना, अब क्या हो गया है, कम हो गया है। तो देखिए, इस तरह से अगर है तो ये क्या है, नॉर्मल है। इसके रिलेशन में एक क्या हो गया, एट्रॉफी हो गया है। तो देखिए, इसकी लंबाई तो पहले जैसी है, लंबाई तो पहले जैसी है, लंबाई में चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया, इसका जो चौड़ाई है इस तरह से, तो चौड़ाई कम हो गई है। तो चौड़ाई कम हुई है तो इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मास कम है तो इसकी पावर भी कम हो जाएगी, पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो स्ट्रेंथ होती है मसल्स में वो कम हो जाएगी, और इसी पूरी जो डिसऑर्डर है इसी को क्या बोलते हैं, मस्कुलर एट्रॉफी। मोटी सी बात, जब मांसपेशियां कमजोर हो जाएं, उसका कारण क्या है कि उसके अंदर का जो मटेरियल है वो कम हो गया है। पहले देखिए इतना था, नॉर्मल अवस्था में ऐसे था, अब क्या हो गया है, इस तरह से सिकुड़ गई हैं यहां पे, तो इनका मास कम हुआ तो पावर कम हुई, तो उसी को मस्कुलर एट्रॉफी बोलते हैं। तो देखिए, क्लियर लिखा है कि व्हेन मसल्स वास्ट अवे मास डिक्रीजेस, जब मास इसका क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। क्यों डिक्रीज करता होगा, अगर उसकी बात करें तो पहला कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी फिजिकल एक्टिविटी उसमें कम हो गई है। यानी जैसे आप यूं समझ लीजिए कि जैसे दाहिने हाथ का आप अच्छे से यूज करते हैं, इसके रिलेशन में जो बायां हाथ उतना एफिशिएंट नहीं होता है। उसी तरीके से क्यों ऐसा है, क्योंकि आप दाहिने हाथ का फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बायां हाथ का कम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो ये उतना एक्टिव नहीं होता है। उसी तरीके से कोई भी अंग पार्ट बॉडी का, चाहे पैर हो, हाथ हो, कुछ भी, अगर उसका कम यूज करते हैं तो उसको ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट उतनी मात्रा में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तब एट्रॉफी हो सकती है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसलिए फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए पूरी बॉडी को। इसलिए सुबह बोला जाता है कि एक्सरसाइज करिए, योग करिए, दौड़िए। और दूसरा कारण हो सकता है लैक ऑफ मोबिलिटी, यानी उसमें मोशन कम हो गया हो, जैसे कहीं पे चोट लग जाती है तो उस पार्टिकुलर पार्ट को क्या कर देता है, इमोबिलाइज कर दिया जाता है, प्लास्टर लगा दिया जाता है। तो जब प्लास्टर लगा दिया है तो उस पार्ट तो रोटेट करेगा नहीं, इसलिए बोला जाता है कि अगर जैसे हाथ में प्लास्टर लगा है तो आप अंगुलियों को हिलाते रहिए, तो इस तरह से सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहेगा। या पैर में चोट लगी तो पैर की उंगलियों को भी हिलाने को बोला जाता है। तो इस तरह से उसमें जब आप उसको एक्टिव रखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, और तो न्यूट्रिएंट भी पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट पहुंचेगा तो उसको पोषण मिलता रहेगा, अगर पोषण मिलेगा तो सिकुड़ेगा नहीं। और तीसरा कारण है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी जब बॉडी की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगे तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें होता क्या है कि जो नर्व्स है ना, जो नर्व्स हैं उनकी ऊपर एक माइलिन सीथ पाई जाती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके ऊपर एक माइलिन सीथ पाई जाती है, ये जो माइलिन सीथ है ये नष्ट होने लगती है। और जो माइलिन सीथ नष्ट होने लगती है तो जो नर्व कंडक्शन है, यानी जो संवेदना का जो प्रसारण है वो कम हो जाता है, और जब संवेदना का प्रसारण कम होगा तो उस पर्टिकुलर पार्ट को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और फूड सब कम मात्रा में मिलेगा, और कम मात्रा में मिलेगा तो अल्टीमेटली उसका मास क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से ये तीन ही प्रमुख कारण हैं।
तो इन तीन प्रमुख कारण हैं, इस वजह से एट्रॉफी हो सकती है। अगर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से एट्रॉफी हो रही है तो आप फिजिकली एक्टिव हो जाइए, और फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे तो वहां पे जो डैमेज हुआ है उसको रिवर्स किया जा सकता है। यानी अगर इस टाइप की संभावना है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से एट्रॉफी हो रही है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। और लैक ऑफ मोबिलिटी की वजह से अगर हो रही है तब आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर इस कैटेगरी का है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो जो पहली दो कैटेगरी दिखा है, अगर इस वजह से एट्रॉफी हो रही है तो उसके लिए आप क्या करें, प्रॉपर डाइट लें, संतुलित भोज्य पदार्थ लें, जितनी कैलोरी की खपत है उसी के बैलेंस करने के लिए आप फूड सप्लीमेंट लें, और दूसरा प्रॉपर एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें। ऐसा नहीं कि सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद पूरे 24 घंटे तक इनएक्टिव हैं, तो आप हमेशा एक्टिव रहिए और फिजियोथेरेपी का यूज करिए। फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलिए, एक प्रॉपर एक्सरसाइज बताएंगे। हर एक पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है, हर एक डिजीज के लिए अलग अलग होती है, तो क्या एक्सरसाइज होगी वो फिजियोथेरेपी से मिलकर पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो मस्कुलर एट्रॉफी है उसको रिवर्स किया जा सकता है। होम्योपैथी की कुछ बेहतरीन दवाइयां हैं जो कि आपको इसमें हेल्प कर सकती हैं। उसमें से दो दवाइयों की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वन पहला है जिंकम मेटेलिकम, इसको 30 पावर के लें और इसको 4 बूंद दोपहर में लीजिए जीभ पर। और दूसरी दवा है एवीना सेटाइवा, क्यों, इसका 20 बूंद सुबह लीजिए और शाम को हाफ कप पानी में घोल करके। इन दोनों दवाइयों से चाहे जिस कारण से हो रहा हो उसमें सुधार होगा, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हो रहा हो, या फिर मोबिलिटी कम होने की वजह से हो रहा है, तो किसी भी टाइप की मस्कुलर एट्रॉफी हो तो इन दोनों दवा को यूज कर सकते हैं। एवीना सेटाइवा बेहतरीन मेडिसिन है, टीसी को रिजनरेट करता है, टीसी को रीजनरेट करता है, नए कोशिकाओं को बनाता है जो डैमेज हुई है उनको बनाएगा, और उनको पोषण भी करता है, नरिश भी करता है। वेट बढ़ाने के लिए नॉर्मली इसका यूज करते हैं, एवीना सेटाइवा का। और ये जो जिंकम मेटेलिकम है, ये सेल डिवीजन को, सेल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, सेल डिवीजन और ग्रोथ। देखिए डिवीजन क्या है, अलग चीज है, ग्रोथ अलग चीज है। डिवीजन मतलब एक से क्या हो गया, दो हो गया, तो ये डिवीजन हो गया, और ग्रोथ मतलब साइज पहले इतनी थी अब बड़ी हो गई है। तो सेल डिवीजन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सबको इनहेंस करता है जिंकम मेटेलिकम, बहुत अच्छा काम करता है जिंकम मेटेलिकम। तो इसको 4 बूंद दोपहर में लीजिए और यहां पे 20 बूंद सुबह और शाम हाफ कप पानी में घोलकर। कोई भी दवा अगर आराम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको रिपीटेशन फास्ट कर दिया, होम्योपैथी में उल्टा हो जाता है। किसी दवा से आराम हो रहा है तो उसी तरीके से आप लीजिए, ये नहीं कि आराम हो गया पता था उसको 4 डोज कर दिया, 5 डोज कर दिया, अमाउंट बढ़ा दिया, तो उससे नुकसान हो जाएगा, जो आराम हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसी उसमें लीजिए, सीक्वेंस में लीजिए, यानी इसको दोपहर के लीजिए, इसको सुबह शाम लीजिए, बेहतर रिजल्ट आएगा। उसके लिए हैनीमैन साहब ने एक आर्गेनॉन लिखी है, उसमें 294 प्रिंसिपल हैं, उस 294 प्रिंसिपल को समझना पड़ता है, उसके बाद मेडिसिन का सिलेक्शन उसके डोज को यूज किया जाता है। तो ऐसे ही नहीं होता कि कुछ भी खा लिया। तो इस तरह से मस्कुलर एट्रॉफी की जो समस्या है उसमें अधिकतर लोगों को इन दोनों दवाओं से फायदा हो जाएगा। तो कुछ बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।